नमस्कार सभी साथियों को, हमारा राजस्थान के फेसबुक पेज पे आपका सभी का स्वागत है। एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। हम आज एक मतलब फेसबुक लाइव के माध्यम से जो नागौर जिले का सबसे बड़ा एक इश्यू बना था पिछले समय में कि जो नागौर सेना रैली भर्ती है वो कौन से ट्रैक पे होगी। आप सबको इस चीज़ का पता है कि नागौर सेना रैली भर्ती उदयपुर में कन्फर्म हो चुकी है और ये उदयपुर के हम महाराणा प्रताप खेल का। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके परिवार का कोई ना कोई बच्चा है या आपका भाई है या आपका कोई भी रिलेटिव है वो इस ग्राउंड में सेना रैली भर्ती देखेगा। हमारे प्रतिनिधियों की नींद की वजह से हम लोगों को कितना बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले आप ट्रैक देख लीजिए, नागौर और उदयपुर जिले में कितना डिफरेंस है। हमारी मिट्टी, मान लीजिए हम आर्मी की तैयारी करने वाले बंदा होता है वो कभी हार नहीं मानता, वो किसी भी ट्रैक को किसी भी स्थिति में मंजूर करता है, एक्सेप्ट करता है। 43-50 भाई लगभग लाइव देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है एक बार थोड़ा वीडियो को शेयर डाल दीजिए, क्योंकि आपके परिवार का कोई ना कोई नागौर जिले का बंदा जो सेना रैली भर्ती को देखने आएगा उसके लिए ये मैं लाइव लेकर आया हूँ इस ग्राउंड के माध्यम से। सबसे बड़ी मैं उनसे कहूँगा कि जो भी भाई नागौर जिले से अभी जुड़ रखा है वो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाएं। आपसे आपके परिवार का कोई भी लड़का इस सेना रैली भर्ती की तैयारी करता हो या कोई और भी उनका मतलब तैयारी करने का उनको वो किसी भी स्टेडियम में तैयारी कर रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको आप नागौर ज़िले से यहाँ भेज दीजिए। उदयपुर में वो किसी भी सुविधा का हकदार बन जाएगा, यहाँ रहेगा, किसी न किसी प्रकार से वो रूम लेके रहेगा। ग्राउंड है ना वो यहाँ ढलना ज़रूरी है, आपको पता है पहाड़ियों के अंदर बहुत ट्रैक ऐसा देखो आप इस तरह से होता है कि ट्रैक ये अभी नया खेल गाँव का बन रहा है, निर्माण हो रहा है तो इस तरीके से ये ट्रैक है, बच्चा यहाँ आएगा नहीं। हम लोग नागौर जिले के जो जिला खेल स्टेडियम है वहाँ हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ के और वहाँ के ट्रैक में बहुत फर्क है। ये जितने भी लोग हैं नागौर जिले के हैं, ये आज नए मेरे सभी यार दोस्त आए हुए हैं, वो सब ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और हम लोगों की कोई ऐसी कोई वजह नहीं थी, कोई नागौर जिले वाले बंदों की कोई ऐसा इशू नहीं था कि उन्होंने कोई किसी प्रकार का ये कहा कि नागौर जिले में सुविधा नहीं है। पता नहीं किस वजह से नागौर जिले को जयपुर एआरओ से अब चेंज करके इधर जोधपुर एआरओ में डाला है और ये सुविधाएं देखो। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सुविधा चाहिए, लेकिन जो हम कितने दूर है, एक बात बताओ, मैं सबसे बड़ा इश्यू हमारे जो सांसद महोदय उनसे करता हूं कि आप रक्षा मंत्रालय की जो कमेटी के सदस्य थे, आज तो आप नहीं हो लेकिन आप सदस्य होते हुए भी हमें कितना बड़ा लॉस आप देके गए हो। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब कोई बंदा तैयारी कर रहा है 600 किलोमीटर दूर, अरे इससे अच्छा तो आप हमारे दिल्ली में करवा देते, हरियाणा में सेना रैली भर्ती करवा देते। मैं कल आया हूँ स्लीपर गाड़ी से, मैंने 800 रुपये स्लीपर वाले को पे किया है। तो एक आप सोचिए कि नागौर जिले का बंदा 30,000 बंदे भर्ती देखते हैं नागौर जिले के, ठीक है, और 30,000 बंदे जब यहाँ सेना रैली भर्ती देखेंगे ना तो उनका क्या हाल होगा आपको पता है। मैं पूछना चाहता हूँ कोरोना की इस स्थिति में क्या यहाँ का प्रशासन हमारे नागौर जिले से यहाँ डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा करवा पाएगा। अरे अजमेर से जो सबसे बड़ा रेलवे मंडल में आता है वहां से भी मुश्किल से एक दो ट्रेन है, तो नागौर जिले के तो कहाँ कोई बनता ही नहीं है। आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है यहाँ का प्रशासन कि हम ये कर देंगे सेना रैली भर्ती के लिए यहाँ से पहुंचाने के लिए। मैं बता देता हूँ जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं ना, इतने हालात खराब है यहाँ, आप उदयपुर से यहाँ तक सेना रैली भर्ती मतलब उदयपुर आप उतरोगे ना बस स्टैंड पे तो यहाँ से उसकी दूरी है 10 किलोमीटर, टैक्सी वाला आपसे 200 रुपये लेता है, कैसे बंदे हैंडल करेंगे। फरवरी माह में भर्ती है, इतनी ठंड पड़ रही है, और मैं सबसे बड़ा ये नागौर जिले का इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी जिले के साथ भेदभाव नहीं हुआ। हम एआरओ से जाने से डरते नहीं कि हमें किस एआरओ में भर्ती शामिल किया गया है, लेकिन एक लोकेशन होती है कि आप हमें गुजरात बॉर्डर के नज़दीकी जो जिले उनके अंदर डाल रहे हो। आप जयपुर की जगह हमें ये कर देते, सीकर के साथ करवा देते भर्ती, चूरू के साथ सेना रैली भर्ती करवा देते, इतना बड़ा अन्याय नागौर जिले के युवाओं के साथ क्यों हो रहा है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएं, आप लोग थोड़ा शेयर करें, क्योंकि आपके परिवार के बच्चों की मैं कहानी लेकर आया हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं लेकर आया हूँ। हमारे सांसद महोदय और जितने भी प्रतिनिधि मंडल है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको उदयपुर के लिए बोले कि आपको उदयपुर जाना है तो आप भी एक बार हिचकिचाओगे, क्योंकि इतनी डिस्टेंस है। हम डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ सेना रैली भर्ती देखने आएंगे, 600 किलोमीटर की दूरी तय करके आएंगे, तो फिर क्या प्रिपेयर होता है ना, आदमी की तैयारी होती है पहले, उसको रेस्ट चाहिए। और हर बंदा इतने मजबूत परिवारों से नहीं है कि वो उदयपुर में रहकर तैयारी करे, वो गाँव में रहकर तैयारी करेगा, उसको गाँव में माहौल मिलना चाहिए, वो यहाँ आके कैसे तैयारी कर लेगा। एक मौका होना चाहिए बंदे के पास रहने के लिए। अब आप देखोगे इस क्षेत्र के अंदर इतना वीरान है कि यहाँ कोई आपको रहने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। मतलब उदयपुर में कोई बंदा रह के तैयारी करना चाहेगा ना, वो उदयपुर मार्ग मतलब प्रॉपर सिटी के अंदर रहेगा, उसको वहां से यहाँ 10 किलोमीटर आना पड़ेगा रोजाना तैयारी करने के लिए।
मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ के जो हमारे नेता लोग जो बड़ी बड़ी डिंगे हांकते हैं ना, फेंकते हैं ना बड़ी बड़ी, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, मैं आपका सबसे बड़ा समर्थक हूँ, जो भी हमारे पॉलिटिशियंस है मैं सबका समर्थक हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ में आपका 30,000 युवाओं के सपनों के ऊपर आपने लात मारी है, हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं आपकी वजह से ये सेना रैली भर्ती यहाँ से आउट हुई है, किसी और की वजह से नहीं हुई है। शर्म आनी चाहिए आपको कि युवा 30,000 युवा, आप वोटिंग के टाइम तो बहुत जल्दी आ जाते हो, युवाओं का नाम युवा और जवानों ये होता है क्या, युवा और जवानों, कितने बच्चों के करियर को आप यार किस तरीके से बर्बाद कर रहे हो। कोई एक बार जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं आप ये कंडीशन देख लीजिए, आपका भाई आएगा यहाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका भाई यहाँ तैयारी करने आएगा, तैयारी करने नहीं, वो सेना रैली भर्तियाँ देखने आएगा ना, तो देखते ही वो कह देगा यार हम किस जगह आ गए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें उदयपुर क्यों भेज रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि थोड़ी डिस्टेंस तो होती है ना, दिल्ली करवा देते हमारी भर्ती, चंडीगढ़ करवा देते, 300-400 किलोमीटर की दूरी पड़ती है हमारे नागौर जिले से, आप उदयपुर टेक रहे हो, बसें ही नहीं है यार, कहाँ आप ट्रेन की बात कर रहे हो, हम प्रॉपरली बसें नहीं है बसें। साथियों थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाओ, आपके जितने भी लोग हैं ना मैं ट्रैक भी बता देता हूँ, कोई भी तो यहाँ ट्रैक की प्रिपरेशन नहीं है, ऐसे हालात है, एक तो नागौर जिले का स्टेडियम है, आप नागौर जिले के स्टेडियम का बच्चा यहाँ अचानक यहाँ इस सेना रैली भर्ती को यहाँ अटेंड करने आएगा, अब कोई भाई यहाँ कमेंट करेगा कि देखना जरूरी है क्या, जब तुम सेना रैली भर्ती की तैयारी करते हो तो डरते हो, अरे डरते नहीं है, मेन मुद्दा यही है कि हम यहाँ इतनी डिस्टेंस है ना, जो दूरी है ना हमारे नागौर जिले से, वो हमें मार रही है। 30,000 बंदे मान लीजिए सेना रैली भर्ती देखेंगे, उनमें से 5,000 बंदे, मान लीजिए 5,000 बंदे तो होंगे ही नहीं, मुश्किल से 2,000 बंदे यहाँ उदयपुर में रह के तैयारी कर सकते हैं, इतनी की हिम्मत होती है, मेरे हिसाब से 2,000 की भी नहीं होगी, तो फिर उनका क्या हाल होगा एक बार पूछो, 28,000 बंदे स्लीपर्स में आ जाएंगे क्या, क्या यहाँ की गवर्नमेंट है या हमारे गवर्नमेंट या हमारे जो भी ये प्रशासन, प्रशासन बोलते हैं ना कल के न्यूज पेपर की कटिंग में आ रखा था कि प्रशासन ये व्यवस्था कर देगा वो कर देगा, क्या घंटा कर देगा क्या प्रशासन, 10,000 स्लीपर लगा देगा हमारे लिए यहाँ से नागौर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हम बाकी 10 जिलों की आवाज़ नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते, क्योंकि 10 जिलों में ये नहीं है, 10 जिलों बाकी के जो लोग हैं ना 10 डिस्ट्रिक्ट है उनमें वो नहीं है कि वो 10 यहाँ 10 जिलों की हम आवाज़ उठाए, हम अपने डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ उठा रहे हैं, हम नागौर जिले की बात कर रहे हैं, आपको एक मेंटेन एआरओ के साथ रखना चाहिए था, जहाँ से हमारी ट्रेन चलती है, जहाँ से हमारी सब कुछ लगती है, मान लीजिए कोई लाडनू डिस्ट्रिक्ट लाडनू तहसील का बंदा है वो तो ये सोच के भी बोल देगा कि यार जाएंगे कैसे सेना रैली, अटेंड नहीं होगी, और लिख के कह रहा हूँ मैं आपको ये बात, मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ कि 30,000 लोगों में से मुश्किल से 15,000 बंदे यहाँ सेना रैली भर्ती देखने आएंगे, ये खेलगांव में खड़ा हूँ मैं उदयपुर, बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, मैं विश करता हूँ कि ये जल्दी से अच्छा तैयार हो, ये राजस्थान का बहुत ही अच्छा एक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छा चल रहा है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि नागौर जिले के बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ तैयारी करने आएगा और वो भर्ती देखने आएगा, तैयारी क्या भर्ती है, 15 दिन बाद में तो भर्ती है, तो भाई जितने भी नागौर जिले के अपने साथी लोग हैं ना, वो एक बार थोड़ा सा तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए, और मैं एक और कहूँगा कि जिस दिन सेना रैली भर्ती हो ना, उससे 10 दिन पहले यहाँ आके बैठ जाना, हमें आपको पता है हमारे जो ऊपर के जो लोग हैं प्रतिनिधिमंडल जिसको हम बोलते हैं, उनमें तो दम नहीं था यहाँ आने के लिए, गवर्नमेंट को खूब राजस्व देंगे, ट्रेनें लगा देना इधर, खूब कमाई होगी, 30,000 बंदे आएंगे 30,000 जाएंगे, 170 रुपये की टिकट बनती है तो भी गवर्नमेंट को खूब कमाई है, क्यों किसी मतलब आप इसके साथ, आप में इतना भी दम नहीं है, हमारे जितने भी पॉलिटिशियन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इतना भी दम नहीं है कि एक सेना रैली भर्ती को आप यहाँ आयोजित नहीं करवा सकते, किसी बंदे ये इधर देखो मेरे 3-4 मेरे साथी लोग हैं आपको दिख जाएंगे, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है, ये इतने अच्छे मतलब तैयारी करने वाले बंदे, ये बोल रहे हैं कि भाई हालात ऐसे हो जाएंगे कि हमारे सबसे बड़ी समस्या है, हम पैसे से नहीं कह रहे, हम ये बोल रहे हैं हमें तैयारी के लिए हमारा शरीर है वो इजाज़त किस तरीके से देगा जिस दिन सेना रैली भर्ती देखने आएंगे। 12 घंटे का सफ़र है साथियों उदयपुर से नागौर डिस्ट्रिक्ट का, स्लीपर से ट्रेन हमारे कोई लगती नहीं, अजमेर से ट्रेन आती है वो भी मुश्किल से, अभी कोरोना स्पेशल चल रही है वो भी ज़्यादा कोई ट्रेन नहीं, एक दो ट्रेन है अजमेर से मुश्किल से, तो आ जाओ कैसे करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ जिस दिन ये सेना रैली भर्ती का ये हमारे एडमिट कार्ड जारी हो ना उस दिन हमारे पॉलिटिशियन को साथ में लेकर आना, इधर नागौर के युवाओं ने वहाँ कलेक्ट्रेट पे धरना दिया, वहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने ये कहा कि ये वो हज़ार बातें हुई, किसी ने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई,
तो जितने भी साथी आप देख रहे हो इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा देना, क्योंकि आपके ही परिवार के बच्चे यहाँ सेना रैली भर्ती देखने आएंगे, आपके परिवार के लोग, आपका भाई है या आपका रिलेशन का। आपको पता है हर घर में हम मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, सेना में हमारा सबसे बड़ा जुनून होता है। हमारे परिवारों का सबसे बड़ा तबका है वो सेना में जाता है। तो आपको थोड़ा सा बात को आगे रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और कम से कम इस बात को रखना कि हमारे बंदे को वहां रखना नहीं है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके परिवार का कोई भी लड़का है, हो सके तो उसको मूलभूत सुविधाएं देके एक दो महीना इसी जगह छोड़ देना, ताकि बंदे की तैयारी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी में रहेगा तो भी तैयारी कर लेगा, लेकिन अचानक जब इस स्टेडियम में प्रवेश करेगा ना, मेरी तरह लाइव आने से नहीं, वो 15 बार सोचेगा बैठ के यहाँ की, यार ये किस माहौल में हमको करवाया जा रहा है। कोई एआरओ से डर नहीं था कि हमें यहाँ क्यों भेजा है। नागौर के जिले के युवा इतने डरपोक नहीं है कि वो डरेंगे कि इस जगह सेना रैली भर्ती कैसे होगी, ये वो, हम यहाँ से ये वगैरह 10 जिलों के साथ मिला दिया। नहीं यार, 300 का बेंच बनता है वो तो हर जगह बनेगा, चाहे वो एक जिले की हो या कितने जिलों की हो, लेकिन एक जगह होती है, प्लेस होता है, बंदे को थोड़ी तैयारी का। बंदा आएगा वहां से पहले दिन, एक दिन उसको मेडिकल के लिए, उसको बीच में टाइम का डिस्टेंस रखेंगे, दूसरे दिन मेडिकल होगा तो फिर वो वापस जाएगा, या फिर यहाँ होटल्स में रूम लेगा। उदयपुर आपको पता है कितनी बड़ी सिटी है, घूमने के लिए यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं राजस्थान में, तो यहाँ होटल्स वाले उस हिसाब से बिलिंग करेंगे। वो फ्लैट्स यहाँ है नहीं, 10-10 किलोमीटर के दायरे में यहाँ कोई रूम नहीं है। इन पहाड़ियों में रह जाओ, किसी को रह के तैयारी करनी है ना, इन पहाड़ियों में अपने तंबू बना के तैयारी करनी पड़ेगी भाइयों। ये बहुत ही शर्मनाक है। बाकी आपको पता है हम सेना रैली भर्ती की तैयारी करने वाले लड़के हैं और लड़के हैं, तो हमको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको किस तरीके से, जिस दिन आपके एडमिट कार्ड आ जाएं या हो सके तो आज ही आप अपने निकल जाएं और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है फिर वक्त नहीं रहेगा। इस ग्राउंड में जिस दिन आप पैर रखोगे ना अचानक, तब आपको फील हो जाएगा कि ग्राउंड का जो माहौल है ना, जो हालात है ना यहाँ के, वो क्या है। आप गाली किसको दोगे वो आपको पता है। अब ये तो है नहीं कि हम युवा है वो यहाँ सेना भवन दिल्ली जाके इस चीज़ को नोट करवा मांगे करेंगे। जिसको हमने यहाँ से वहाँ भेजा है, चाहे हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्टिव असेंबली हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई भी हो, उनको काम करना चाहिए ना, हमारा बात रखनी चाहिए ना। ऐसे नोटिस निकालने से या कोई लेटर पेड भी लिख देने से उनके साथ ये मांग की वैसे नहीं होता। एक डंके की चोट पे कहा जाता है कि यहाँ होगी सेना, यहाँ से हम ये, हमें तो इस चीज़ का दर्द हो रहा है कि बंदा गुजरात बॉर्डर पर आएगा भर्ती देखने, और वो एक नहीं है, 30,000 बंदे हैं, 30,000 नागौर के 30,000 युवा हैं इस सेना रैली भर्ती के लिए। साथियों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप कैसे भी करके, अब तो कुछ अभी भी ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि यहीं होगी क्या। एक बार देख लो इधर का माहौल, देख लो ये है सेना रैली भर्ती का वेन्यू, अभी इसका काम चल रहा है, निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ें होगी। ये किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक बार मैं आपको बात करवा देता हूँ, अपने कुछ साथी है, एक बार वो जो लोग बैठे हैं उनसे मैं एक बार आपको पूछवा देता हूँ। मान लीजिए वो मैं खुद अलग हूँ, ये जो साथी ये भी नागौर जिले से आए हैं, ये बता रहे थे कि यार इस तरीके का कैसा माहौल है। मैं पूछ लेता हूँ इनसे कि आप किस तरीके से यहाँ आए, कितनी डिस्टेंस आपने मेंटेन यूज़ की, किस तरीके का रहा। एक मिनट बात कर लेता हूँ। आप कहाँ से हो भाई, कौन सी जगह से हो आप? नागौर से, मकराना तहसील। नागौर के मकराना से यहाँ हो रही है, ये एक बात बताओ भाई, सेना रैली भर्ती, आप नागौर के युवा हो, मेरे हिसाब से ग्राउंड से तो आप डरते नहीं, कोई नहीं डरेगा मेरे हिसाब से तैयारी करने वाला, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल मेरे हिसाब ये कि आना बंदा आएगा कैसे, 30,000 लोग है नागौर से डायरेक्ट, यहाँ कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। आपको लगता है कि वहाँ से बंदे, सभी बंदे वो आसानी से भर्ती अटेंड कर पाएंगे? पहुंचेंगे आधे बच्चे आएंगे, लगभग आधे बच्चे आएंगे ना, मुश्किल से आधे पहुंचेंगे। इससे लॉस हमारे ही है ना, सीधा डायरेक्ट लॉस है ना। आप कल किस साधन से आए यहाँ? मैं तो ट्रेन से आया था। ट्रेन से कहाँ से बैठे? अजमेर से। तो देख लो आप, मतलब नागौर से पहले अजमेर आए, 3-4 घंटे आपको वहाँ की दूरी का लगा, फिर वहाँ से आगे यहाँ आने के लिए ट्रेन में आए आप, और मुश्किल से एक दो ट्रेन चलती है। भाई आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो भाई? कितना फर्क है नागौर स्टेडियम में और इसी स्टेडियम में? काफी फर्क है, काफी फर्क है ना। और आपको लगता है कि नागौर के 30,000 युवा है वो यहाँ भर्ती अटेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, 30% कर पाएंगे, 30%। ये देख लीजिए आप, 30,000 का 30% देख लीजिए, 8-10,000 बंदे होते हैं। और ये आप न्यूज देख लेना, जिस दिन सेना रैली भर्ती होगी उस दिन अखबार में ये न्यूज आ जाएगी, कन्फर्म लिखे देता हूँ कि इतने लोग ही युवा सेना रैली भर्ती अटेंड कर पा रहे हैं। अरे 11 जिले हैं जोधपुर एआरओ के अंदर, 11 जिले हैं जिसमें से 10 जिले पहले ही थे, उनको तो आदत हो गई है
वो तो 10 जिले बैक टू बैक हर जगह भर्ती देखने जाते हैं, और वो भी आसपास इस क्षेत्र के जिले हैं, इस टीएसपी क्षेत्र में जो आते हैं ना उसके जिले, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये ना राजसमंद, ये जिले 6 है वो टीएसपी क्षेत्र के, वो ऑलरेडी पहले से ही हैं, वो एक जगह भर्ती अटेंड करते हैं। ये तो बात मार पड़ रही है, तो नागौर जिले वालों के साथ पड़ रही है सबसे ज्यादा। नागौर को मार क्यों पड़ रही है भाई? पहले तो आप भर्ती नहीं करवाते थे टाइम पे नागौर जिले की, अप्रैल से आप जुलाई में डाली, उसके बाद में आपने कई बार भर्ती को एक बार सस्पेंड कर दिया एक साल के लिए, 2 साल बाद में कोरोना को चलते हुए यहाँ भर्ती आई है, और हालात आप देख रहे हो किस तरह के हालात है। अच्छे से देखो, थोड़ा सा एक रहना चाहिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि आप एक बार बात कर लीजिए, अभी बात हमारे आपके हाथ की है। एआरओ चेंज मत करो, एआरओ हम कह रहे हैं हमें जोधपुर एआरओ ही पसंद है, आप कहोगे तो जोधपुर एआरओ रह जाएंगे, हम उसमें भर्ती अटेंड करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप वेन्यू चेंज करो ताकि नागौर जिले को हो सके आप जोधपुर या थोड़ा सा मतलब पाली इस किसी क्षेत्र में करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अजमेर करवा दीजिए, हमारा तो दूरी का तो रहना चाहिए ना, बंदा यहाँ आए आसानी से भर्ती अटेंड करें। ये तो इतने लोग आए हैं, हम 6-7 लोग आज आए हैं इधर ग्राउंड को देखने की, ग्राउंड के क्या हालात है, तो ये तो बोल रहे हैं यार यहाँ ना तो कोई रहने की कोई सुविधा है। मान लीजिए हम तो आज आ गए, जो 30,000 बंदे उनमें 10,000 भर्ती यहाँ देखने आएंगे, 10 किलोमीटर की दूरी में वो रहेंगे, उनके क्या हालात होंगे? तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को आगे पहुंचा देना, अपने जो नेता लोग हैं उनको मेंशन कर देना, जो बड़ी बड़ी डिंगे आंकते हैं ना कि ये हम ये करवा देंगे, लेटर पेड पे डालते हैं ना ऐसा करके कि हम ये कर देंगे भर्ती वहां करवा देंगे। आप कहां से हो जगदीश जी? तो आपको क्या लग रहा है कि सेनारेली भर्ती आप यहीं रह के तैयारी करोगे? हाँ। आप नागौर रह के तैयारी क्यों नहीं करते? नागौर अभी फिलहाल ग्राउंड नागौर में नहीं होगी भर्ती। आपको क्या लग रहा है नागौर में यहाँ के बंदे जो भर्ती है वो देख पाएंगे, मतलब रेगुलरली अपडेट के साथ? नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं अभी। कितने किलोमीटर की दूरी में रहने? मैं तो चलो लाइव पे झूठ, आप बताओ कितने किलोमीटर की दूरी में रहने की व्यवस्था नहीं है यहाँ? कुल मिलाकर 12 किलोमीटर तक कोई रहने की जगह? 12 किलोमीटर की दूरी तक रहने की कोई सुविधा नहीं है भाइयों। ठीक है, बाकी मैं लाइव को एंड करता हूँ सेशन को, आपके हाथ में है, आप एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ाना और बाकी जो भी होगा। ये ग्राउंड जलाराम जी बाम्बू बोल रहे हैं, ये ग्राउंड है उदयपुर का खेलगांव क्षेत्र है, वहाँ का ग्राउंड है ये, महाराणा प्रताप खेलगांव है ना, वहाँ की ये ग्राउंड है। नूर मोहम्मद भाई सही बात है भाई, बिल्कुल भाई सही बात है। उसके अलावा अनंदाराम जी बेनीवाल, राम राम जी अनंदाराम जी बिल्कुल, बालाराम जी गोदारा, राकेश जी गोटिया, बिल्कुल आप सभी साथियों का बहुत बहुत हृदय से आभार कि आप लोग जुड़े, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा आगे से आगे इस बात को बढ़ाओ, अपने परिवार के जो लड़के उनको रोको मत, उनको भेज दीजिए तैयारी करने के लिए किसी न किसी, अब गांव में भी तैयारी करने वाले भर्ती, अब ये तय नहीं कि 30,000 बंदे या उदयपुर में रह के तैयारी करेंगे, हम तो ये कहते हैं हम गांव में रह के भी यहाँ दौड़ फाड़ देंगे, नागौर जिले वाले हैं ना वो गाँव में रह के भी यहाँ दौड़ फाड़ देंगे बंदे, लेकिन मेन इशू तो हमारे आने जाने के साधनों का है, कैसे आएंगे किस तरीके का रहेगा कोरोना में, ना तो मुश्किल से बसें चल रही है ना कोरोना से यहाँ कुछ चल रहा है यार, क्या दिमाग इतना। उर्मंद्र जी, अली जी, राम राम जी, पिंटू सिंह जी, राइट भाई बिल्कुल, पिंटू सिंह जी करें क्या ये बताओ। हमारे हाथ में था आवाज़ को उठाना, नेताओं ने कहा कि आप ट्विटर पर ट्रेंड करो, हमने ट्रेंड भी करवाया, लो क्या मिला हमें ट्रेंड करवा के, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करो, ये करो वो करो, इनसे मुलाकात करेंगे उनसे मुलाकात, अरे कुछ नहीं होती मुलाकात, ठोकर मारी आपने 30,000 युवाओं के कैरियर के ऊपर। अब कोई कहेगा कि 30,000 युवाओं के कैरियर पर ठोकर कैसे मार दी, कैसे? तो वो जिस दिन भर्तियां आएंगे ना उस दिन हल्ला देखना इधर का माहौल, परेशान होगा तो सबसे ज्यादा नागौर जिला, बाकी जो भी है ठीक है। आप ये अच्छा होता चूरू करवा देते, शिकर करवा देते, उस यारों में डाल के भर्ती करवा देते हमारे उन जिलों के साथ, बाकी हम फाइट करेंगे। और जय इन सभी साथियों को, ठीक है, लाइव सेशन में एंड कर रहा हूँ, जय हिंद।